हेलो, मैं डॉक्टर स्काई और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शैम्पू और कंडीशनर हेयर को क्या सच में रिस्टोर करता है। जैसे हम मार्केटिंग के एड्स में देखते हैं कि वो बताते हैं कि शैम्पूज एंड कंडीशनर में बायोटीन है, हर्ब्स है, कोलेजेंस है, सी बटर्स है, लेमन ग्रास है, बट इन ट्रूथ इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाती है, क्योंकि हेयर इज़ द डेड पार्टिकल्स ऑफ आवर बॉडी। स्कैल्प के ऊपर जो भी चीज़ होती है वो सब डेड होती है, इसीलिए हेयर में ना तो ब्लड वेसल्स है ना तो नर्व्स की सप्लाई है। इसीलिए हेयर को जब आप कट करते हैं तो ना तो उसमें पेन होता है ना ही आपको कोई ब्लीडिंग होती है। इसीलिए जब भी हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ये एज ए फुलर काम करते हैं, और 24 घंटे के बाद हम वहीं होते हैं जहां हम 24 घंटा पहले थे। सो, अगर हेयर को रिस्टोर करना है तो हमें इन साइड आउट केयर करने की ज़रूरत है। इससे हम हेयर को रिस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा सफल हो पाएंगे। आपको खाने में कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होंगी, आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करना होगा। जैसे नंबर वन, फैट सॉल्युबल विटामिन लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हेयर के लिए। नंबर टू, हेल्दी फैट, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हेयर को रिस्टोर होने में। नंबर थर्ड, ट्रेस मिनरल, एग्जांपल के लिए जिंक, बहुत ही इसेंशियल ट्रेस मिनरल जो आपके हेयर्स को रिस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एंड नंबर नेक्स्ट, बी विटामिन्स, स्पेशली बायोटीन, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके हेयर को रिस्टोर होने में। अगर हम हेल्दी न्यूट्रिएंट्स लेते हुए भी अगर हमारा हेयर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो मे बी कि आपके बॉडी में आपका शुगर लेवल हाई हो सकता है। इस कंडीशंस में आपको ब्रेड, पास्ता, सेरेल्स, क्रैकर्स, ये आपके बॉडी के इंसुलिन को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आपके हेयर तक जाने में ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के हेयर ब्रिटल्स होते हैं, ड्राई होते हैं, थिनर होते हैं। तो इन द समरी कि आपको एक्सटर्नल केयर करना है, आप शैम्पू यूज़ करें, आप कंडीशनर यूज़ करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो बेसिक केयरिंग होगी वो इनसाइड आउट ज़्यादा इफेक्टिव होगी, इन स्पाइट ऑफ ओनली आउटसाइड केयरिंग। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।